एक अमेरिकन एयरलाइंस में रविवार को हड़कंप मच गया। इस हड़कंप का कारण फ्लाइट के इंजन में आग लगना था। फ्लाइट में आग लगने के बाद इसे अमेरिका के ओहिया एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में फ्लाइट के दाहिने इंजन से आगे की लपटे और धुएं को निकलते हुए देखा जा सकता है। मीडिया के अनुसार एक ट्विटर यूजर ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मैंने अभी अभी AA-1958 को उड़ान भरने के तुरंत बाद इंजन में कुछ समस्या के साथ देखा। इंजन से आगे की लपटे निकल रही थी और फ्लाइट से तेज आवाज आ रही थी। मीडिया के अनुसार बोइंग 737 फ्लाइट 1958 कोलंबस से फिनिक्स के लिए रवाना हुई थी। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कर गई। इस घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। फिलहाल घटना की जांच चल रही है। जॉन ग्लेन कोलंबस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा, आपातकालीन कर्मचारियों ने आज सुबह CMH में एक विमान की घटना का जवाब दिया जिसमें इंजन में आग लगने की सूचना थी। फ्लाइट सुरक्षित रूप से लैंड कर गई है और एयरपोर्ट खुला है और चालू है।